हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश के उपचुनाव से। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले अब चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो थम चुका है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच की बयानबाजी शुरू हो गई है। काफी हद तक देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता की भूखी है और बीजेपी अपने पैसों के बल पर चुनाव जीतना जानती है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त रैली करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा क्या कि चुनाव प्रचार प्रसार थमने के बाद अब फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर नेताओं के बीच जो जुबानी जंग शुरू हुई है, ये बताता है कि भले ही चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत बड़े हद तक अभी भी नेताओं के बीच की जुबानी जंग दिखती नजर आ रही है। हालांकि ये जुबानी जंग कब रुकेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के उपचुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा, बीजेपी या कांग्रेस, ये तो वक्त तय करेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।